सीखाए। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या ये है कि हमारा बुद्धि हमें भटका देता है। आज एक बड़ी समस्या बढ़ के ये आ रही है, हमारे जो भाई हैं तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के क्रम में क्या होता है कि उनके अंदर एक प्रेशर का भाव आता है, एक दबाव का अनुभव होता है और उससे वो उभरना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में इस दबाव से, इस प्रेशर से कैसे अपने को ऊपर उठा सकें। गायत्री मंत्र इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका यह अदा करता है कि आपके अंदर के प्रेशर को कम करता है। जितने ज्यादा आप प्रेशर में अपना पढ़ाई करेंगे, आप ज्यादा अगर प्रेशर में पढ़ने का कोशिश करेंगे तो वो चीज आपको नहीं मिल पाएगा जो आपको मिलना चाहिए। इसलिए गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा लाभ यही मिलता है, हम लोगों ने इसका अनुभव किया है और यहाँ जो भी बातें आपको बताई जाती है वो अनुभव पूर्ण, क्योंकि स्वयं जो चीज हम लोग अपने जीवन में लागू करते हैं वही चीज आपको बताते हैं। अगर हम गायत्री मंत्र करते हैं तो आपको कहते हैं, हम ध्यान करते हैं तो आपको भी कहते हैं करो, हम अगर रोड पर का खाना नहीं खाते हैं तो आपको भी कहते हैं मत खाओ, जो हम करते हैं वही कहते हैं। ये विशेषता है इस युवा मंडल के बच्चे की। तो आपके जीवन में भी वही आना चाहिए जो आप कहते हो वो करना पड़ेगा। नहीं साहब, हम तो कहने वाला बनना चाहते हैं, मोटिवेटर। माफ करना, अगर आप सिर्फ कहने वाले मोटिवेटर बनना चाहते हो, करने वाले नहीं, तो आने वाला समय कहने वालों का कोई वैल्यू नहीं होगा। किसने क्या कहा, कितना कहा, इसका कोई महत्व होगा ही नहीं। लोग ये पूछेंगे आपने क्या किया, आपने आप क्या कहोगे, मैंने तो भाषण दिया कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया, हम तो भाषण देते थे जब लॉज में रहते थे। हमारे लॉज में दो को जब आके बैठता था, देश का जितना राजनीति है फिल्मी दुनिया से लेके और देश तक में, आप आते तो देख बता देते मेरा टैलेंट कितना था। क्या करते, यही तो है, कुछ नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते, जब आप उनसे मिलोगे, आप पूछोगे उनको, आपको लगेगा ये आदमी लगता है सबके बारे में जानता है, बड़ा मेरिट वाला। आप पूछना अमिताभ बच्चन को, अरे अमिताभ बच्चन क्या कहिए, रेखा से उसका हुआ था, फिर उधर हटा, सब जान जाता, इतना मस्तिष्क का धनी आदमी। अरे बंदा, तूने अपने जीवन में क्या किया, तेरे लाइफ में कुछ हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ऐसे जो हवाबाज लोग हैं, जो हवा देने में विश्वास करते हैं, ऐसे लोग भविष्य में कहाँ होंगे। आपको यहां इसलिए बुलाया जाता है कि आप करने वाला बंदा बनो, करने वाला, आने वाला समय करने वाले लोगों का है, करके दिखाने वाले लोगों का है। हम किस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ये लोग आपसे नहीं पूछे। अच्छा तुम बताओ, तुम कहाँ कहाँ पढ़े। हम तो वो नीरज जी के यहाँ भी पढ़े, बीके जी के यहाँ भी पढ़े, राठौर जी के यहाँ भी पढ़े, बेचारे को था जो छूटा लगभग पढ़ ही लिए थे हम लोग। सबके यहाँ पढ़ लिए, लगभग लगभग सारे टीचर को जानते, सबको जानते, कुछ मिला वही तो नहीं मिला। यही समस्या है, यही प्रॉब्लम है, सब जान गए लेकिन हमको कुछ मिला नहीं। खेती के बारे में सारा गुण सीख लिए लेकिन खेती किए नहीं, वो हमसे नहीं होता है। हम तो सिर्फ बता सकते हैं कि खाद छिड़कना चाहिए, बीज छिड़कना चाहिए, ऐसे हल चलाना चाहिए, थोड़ा करके दिखाओ।
करके देखा। ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, ये सपने में जीते हैं, इनका सपना में जीना में मजा आता है। ऐसी हमको मिलेगी, वो मिलती तो फिर से होली खेल लेते। ये सपना में विचित्र किस्म का सपना। आज के जो हमारे पीढ़ी है, एक तो एज कम, एज का वायरस अलग चल रहा है, एक तो वो स्वाइन फ्लू वाला वायरस है, वो तो है ही, एज वाला वायरस होता है 16, 17, 18, 19 का जितना ऐसा एकदम उदक रहा है, उदक रहा है, सच्चाई से उसको कोई पाला नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो मिले कैसे मिले, क्यों मिले, ये चीज आपको समझना। और इसी के लिए आपके अंदर गहराई होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए। अगर आपके अंदर गहराई नहीं हो तो फिर क्या होगा, आपकी जिंदगी में जिस चीज के लिए आप पटना में होली में घर नहीं गए, हमें लगता है यहाँ मैक्सिमम वही भाई बैठे हैं जो बेचारे नहीं जा सके किसी कारण से, या जिनका घर यही हो सौभाग्य से। लेकिन फिर भी हम जो अपने जीवन में हमारे सामने जो लक्ष्य है वो हमें मिलना चाहिए। सपना देखना अच्छा है, लेकिन सपना को हकीकत में कैसे बदला जाए ये भी सीखना होगा। सिर्फ सपना देखने से होगा, इसके लिए आपको अपने अंदर गहराई में जाना होगा। डेप्थ, ये गहराई में जाने का तरीका क्या है, तकनीक क्या है, मेडिटेशन, ध्यान का एक ही मतलब होता है। जब हम ध्यान में होते हैं, लोग कहते हैं ध्यान लगता नहीं, मन भागता है। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जिससे प्यार हो जाए, किसी ने किया हो किसी चीज से प्यार का मतलब सिर्फ लड़की से ही प्यार नहीं होता, मोबाइल से भी प्यार, फेसबुक से प्यार, व्हाट्सएप से प्यार, गंदे चीजों से प्यार, पीने से प्यार, प्यार आदमी को कई तरीके से होता है। तो प्यार जो होता है, जिस समय आप जिस चीज से प्यार करते हो उस समय आपका मन भटक, कोई खैनी लगाने वाला है कितना मजा से खैनी लगाता है, उसका मन कंसंट्रेशन भंग होता है क्या, आप देखना ध्यान, उसको पूरा आइडिया होता है कि कितना 80 चुटकी 90 दम, उसको आइडिया होता है, तब देखो खैनी का भाव। क्यों, उसको उन चीजों से लगाव होता है। आपको लगाव नहीं है, आपको लगाव नहीं है, आप तो बेमन से, हमने कह दिया है, किसी और ने कह दिया है, ऐसे बैठोगे, कहे हैं अच्छे ट्राई करते हैं। ये जो मामला होता है ट्राई का, वो प्यार नहीं हो पाता है, लव नहीं हो पाता है। और जब परमात्मा से लव नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, तो ध्यान तो फिर तो मशीन बन के रह जाए, आर्टिफिशियल। प्यार का बड़ा विभिन्न मामला। मीरा उस समय राज घराने की थी, राजा की पत्नी थी, प्यार हो गया किससे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न, अरे प्यार, वो प्यार आजकल का तो सरकार प्यार होता ही नहीं, और जो दिखता है वो प्यार है ही नहीं, वो तो कुछ और होता है। प्यार के बहाने धीरे 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 कहां पहुंच जाएगा, खतरे की घंटी। और वो प्यार ऐसा था, प्यार में बहुत ताकत है ये जान जाइए, प्यार में बहुत ताकत, प्यार में इतनी शक्ति थी कि आप जानते हो कि मीरा को विष दिया गया, और वो विष जब पी, इतना विश्वास था कृष्ण को यह अमृत अर्पित करके कि विष दी उसके लिए अमृत हो गया। अभी आपने होली मनाई, होली किसके याद में मनाया जाता है, होलिका और कौन थे, प्रहलाद थे। आप भी किसी के प्रहलाद हो, किसी के प्रहलाद मतलब बढ़िया लड़का, गुड सन, पिता का सम्मान बढ़ाने वाला। आपके पिताजी कौन है, प्रहलाद, प्रहलाद था, हिरण्यकश्यप उसके पिताजी थे। हिरण्यकश्यप कहते थे कोई भगवान नहीं होता,
तुम सिर्फ हमें मानो, मैं ही तुम्हारे लिए भगवान हूं। प्रहलाद कहता था, नहीं हम तो गायत्री को मानते, हम तो भगवान को मानते। इसी का झगड़ा चलता था दोनों में। ऐसा नहीं कि पिता का सम्मान नहीं करता था, प्रहलाद पिता का बहुत सम्मान करता था, लेकिन गलत जगह पर वो कहता था, नहीं यहां तो मेरा आपका मामला अलग है। हम लोग सब बात मान लेते हैं पिताजी का, अभी पिताजी आपको सिखा दे, कहें कल से तो गायत्री मंदिर ना जाएंगे, आप सबसे पहला काम करोगे गायत्री मंदिर छोड़ो। लेकिन अगर आपके पिताजी आपको सिखा दे कल से तो पॉर्न फिल्म ना देख में, लेकिन देख में देखिए क्या छोड़ो, वो गायत्री मंदिर सबसे आसान था क्योंकि यहां बिगाड़ा जाता है, और वो जो दूसरा वाला मामला है वो तो मैं पिताजी का बात मान ही नहीं सकता। कहां मानता है लड़का, कहां मानता है, नहीं मानेगा। गलत चीजों को नहीं मानना है, और जो सबसे बड़ा गलत है उसको पहले मान लेना है, यही समझदारी विकसित करना है। समझदार महाजन हिरण्यकश्यप पिता थे, लेकिन प्रहलाद ने नहीं। तुलसीदास जी से मीरा ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी का नाम सुने, तुलसीदास पत्नी के बड़े प्रेमी आदमी थे, प्रेम में इतना दीवाना हुए, पत्नी नहीं थी मायके में गई हुई थी, रात में याद आप लोग प्रेम का याद, आज न मिल लो वो देखिए प्यार किसको कहते हैं, आप लोग कैसा प्यार करते हैं बताओ, वो प्यार ऐसा उनके भीतर से जागृत हुआ तुलसीदास जी के, गंगा में बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ नदी के उस किनारे जाना है, रात में प्यार जगा 12 बजे रात, तुलसीदास आओ देखे था दिख का रहा था, बाढ़ कहाँ है, नदी कहाँ है, किस छोर पे जाना है, कूद गए और मुर्दा पकड़ के कि क्या पकड़ के उस पार चले गए, वहां पत्नी दरबना के कटाया, अरे नाराज, पत्नी भी समझदार थी, पत्नी ने कहा जितना प्यार मुझसे करते हो अगर इतना ही प्यार तुमको उससे हो जाता तो तेरा तो कल्याण हो जाता। ये बात तुलसीदास जी को लग गई, लगा कि ये जान वाला बात है, तुलसीदास लौटने लगे, पत्नी बुलाई फिर लौटे नहीं, ये प्यार था लव था जिससे व्यक्ति का जीवन बन जाए उसको प्यार कहते हैं। आजकल का प्यार से तो जीवन क्या बने, लड़का जब हमसे भैया, देखिए प्यार ही प्यार, उस इस बात को इसलिए आपके पास रिपीट कर रहे हैं, प्यार मतलब जीवन बनाना, मेकिंग, आपका जीवन बन जाए किसी से प्यार में, आप इसलिए प्यार करो कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा और शादी तुम्हें से करूंगा, ये कहां आता है। यहां तो समस्या ये है टीनेजर्स है, उम्र कम है, प्यार हो गया, पढ़ने में मन नहीं लगता तो बनोगे कब भाई, यहां तो मन पहले भटक जाता है, मन लगना ही नहीं तो पढ़ोगे नहीं, मूर्ख रहोगे तो तुमसे शादी कैसे करेगी पकड़ मान। प्यार मतलब बनना, इसलिए लोग कहते थे किससे प्यार करना चाहिए, परमात्मा से प्यार करना चाहिए, परमात्मा में हो सकती है, भगवान में हो सकती है कि जो आपको बना देता है, मेकिंग कहा कैसे बनाता है, चेहरा वही रह जाता है, आपके अंदर से आपको बना देता है, आपके सूझबूझ को विकसित कर देता है, आपकी समझदारी को विकसित कर देता है, और ऐसे व्यक्ति करने में विश्वास करते हैं, वो करने वाला होता है, लोग कहते हैं कर्म करना चाहिए, ये कर्म करने वाला व्यक्ति बनता है जो भगवान से जुड़ता है, भगवान से प्यार करता है, क्योंकि भगवान कर्म में विश्वास करते हैं, भगवान पूजा में विश्वास नहीं करते, क्या आपने कितना पूजा भी एक कर्म है, इसलिए हम पूजा करते हैं कि हमारे अंदर कर्म करने की वृत्ति बढ़े। आपका कर्म अगर पढ़ाई है तो अगर हमारा मन पूजा करने से पढ़ाई में लगता है ये कर्म, हमारे अंदर का भाव विकसित हो जाए, इसलिए गुरुदेव ने लिखा है ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा, भगवान से जुड़ना
किसी व्यक्ति को जीवन में घाटा नहीं होता है जो सच्चे दिल से जुड़ता है, प्यार से जुड़ता है। किसी को घाटा हुआ है इतिहास में, प्रहलाद को घाटा हुआ, मीरा को घाटा हुआ, मीरा की बहन का क्या नाम था किसी को पता है? क्यों नहीं पता है? उसने कुछ नहीं किया, क्यों पता है? आपके बाबा के बाबा का क्या नाम था? हाँ पता, बाबा का तो नाम है पर बाबा तक नहीं बता सकते, लेकिन बाबा के बाबा पूछना पड़े। क्यों नहीं जानते? इसलिए नहीं जानते कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। आए समय बिताए यहाँ उसका बुढ़िया बिस्तर पे चले, जो करता है उसी का नाम जानता है, करने वाला। मीरा के इतने वर्ष के बाद भी नाम याद है लोगों को, उसकी कविताएं पढ़ाई जाती है पीएचडी में, एमए में। कबीर दास कितने पढ़े लिखे थे, सेंट सेवरिंग में पढ़े थे, सेंट कोलंबस में, किसमें पढ़े थे? निरामुख कबीरदास, अंखा छाप कबीरदास, लिखने भी नहीं, कागज से लिखा भी। उस कबीरदास